किबले की जानिब कब्र का होना ना, तो ये मस्जिद नबी में फिर किस तरह होगा? बस मुसीबत ये ना, शुक्र है कि उसके आगे पर्दे हैं, दीवारें हैं, ये कब्रे पाक नजर नहीं आती। इसको तो मानते हैं ना उलमा के कब्र अगर सामने भी हो मगर कोई हायल हो ना, दीवारें वगैरह उसमें पर्दा और नजर ना आती हो, फिर हो जाती है नमाज। मगर ये बनो मैया के मजालम में से ही है ना कि उन्होंने कब्रे पाक को मस्जिद के अंदर दाखिल कर लिया। उनकी मजबूरी ये थी कि नबी अलैहिस्सलाम के हुजरे कितार हैं जो थी ना मस्जिद के साथ साथ ही थे, कुछ किबला रुख उधर से कुछ साथ साथ इधर आते थे। तो जब मुसलमान आते थे ज्यारत के लिए तो देखते कितने छोटे कमरे और सादा जिंदगी, तो इनके गले में फांस बन जाती थी ना, लोग कहते तुम खलीफा कहलाते हुजूर के जानशीन, तुम्हारा तर्ज जिंदगी क्या, महल बनाए हुए हैं, दरबार खड़े हैं, सोने चांदी के दरवाजे बनाए हुए। तो इन्होंने आपके हुजरे यही मुनासिब समझा कि ये लोगों की नजरों से उजड़ हो जाए, ये यादगार मिटा दी जाए। तो फाद उस वक्त लिखा कि मदीना में ना नबी अलैहिस्सलाम की वफात के बाद उससे ज्यादा लोग नहीं रोए, जब गिराए गए हुजरे आप। अच्छा, इसी जरूरत के लिए फिर वो कब्र अंदर ही आनी थी। अच्छा, हुजरे आप के इसी एरिया में थे। अब अल्लामा अल्बानी साहब तो कहते हैं बेचारे के महद हुकूमत को चाहिए था ये पार्ट अलग कर देती, मगर क्या करें, मस्जिद फैल गई है चार तरफ बहुत। अब वो दीवारें करके ही ना दंगले वगैरह पर्दे में छुपाया गया था। जी साहब, इसी तरह साथ साथ थे। अच्छा। दो कम जो हुजरे थे वो किबला की तरफ से, हजरत ऐशा के हुजरे के साथ ही वो किबला की तरफ से आपके दो कमरे वो जिस तरफ आते थे, जिस तरह हजरत ऐशा का हजरत फातिमा का मकान था इसके साथ ही, और दो फिर जो पिछली तरफ था जिधर आप जिन्हों किबला नहीं दूसरी साइड जब वहां भी थे नौ हजरे जिसमें हजरत ऐशा फातिमा में दस थे। अच्छा सही। अच्छा, उसके अलावा इन्होंने लिखा है कि तीन से ज्यादा दराजात होना, ये उसमें जो है क्या कहते हैं जो मेंबर होता है वो बनी बनु मैया आपका तीन सीढ़ियों वाला जन, इन्होंने माविया ने नौ दस सीढ़ियां बना ली। अच्छा, अब ये तीन सीढ़ियां किस तरह की, ऊपर चढ़ने के लिए या आप इसी सीढ़ी पे बैठते थे? नहीं, चढ़ने के लिए सिर्फ है कुल है तीन तीन ना। अच्छा, कुल तीन थे। कुल तीन सही है। अच्छा,